प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हीरंबर हर दमम बेपर्व अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन झावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशम। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरों विनती करूं। दरूं चरण पर शीशे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने जियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि पूर्ण।
चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम, मुकुटा हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख जय इब के सत गुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात है। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं, तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारद तिन के हृदय न समा, अवगुण किए तो भौत किए, करत न मनि हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नकसिक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्य आत्माओं को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्य आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है, उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से। जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहां कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहां जल स्रोत है, तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं,
एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है, तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है, वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है, वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है, तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो, वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण टेंशन लेस होने के लिए गया था, जिस संत के पास और जिन साधनाओं को वो करता रहा और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी, दूसरे स्थान पर गया वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है, जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहां से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई,
और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं है। और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं, जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सदग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं, जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं, लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है, ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है, उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, और सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो है, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो चार वेद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं, और इन्हीं चार वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे हैं। और पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण दिया है। उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक, जैसे जैसे भी कोई साधक साधनाएं करता है, वो अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यज्ञों का, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण, यथार्थ जानकारी, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, इसके सहित
सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे संस्कृत में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। यहां पर इन श्रीमद भगवत गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर दी। इन्होंने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी, ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि ब्रह्मणे माने वेद नहीं होते। ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट प्रभु, यानी बड़ा भगवान। सचिदानंद घन ब्रह्म, अब ब्रह्मणे का अर्थ हम इन्हीं के अनुवाद में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से लेते हैं। श्लोक 23 में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सचिदानंद घन ब्रह्म। और यहां ब्रह्मणे का अर्थ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये स्वयं गलत कर रहे हैं, ब्रह्मणे का अर्थ कर रहे हैं वेद, नहीं ये गलत कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण का, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का तीन प्रकार से सिमरण किया जाने वाला ये तीन मंत्र का ओम तत्सत मंत्र है, जाप है। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तत्व ज्ञान है जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान बोला है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है ब्रह्मणे मुखे। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो पांचवा वेद है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, विनम्रता से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्म है उस परमेश्वर की जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये पांच वेद हैं, चार वेदों से तो आप आसानी से परिचित हैं, जो प्रभु की प्यासे हैं वो वेदों से परिचित हैं, इन चार वेदों से। लेकिन पांचवा वेद जो है ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। तो इन चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी है, लेकिन इन चार वेदों में उसके पाने की विधि नहीं है, उसकी भक्ति की साधना नहीं है। इसी कारण से परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब के में विकसित कमल के फूल पर वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उठा ले गया। उन्होंने, उनके संतान नहीं थी, वहां परमात्मा लीला में शरीर से बड़े होने लगे और आगे चल के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, धानक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही,
और जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से उच्चारण किया करते थे, बोला करते थे, जो धर्मदास साहेब जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। उसमें कहा कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी को अर्जुन को पात्र बना के इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था, ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविंद थे, इसलिए ब्रह्मणे मुखे कहा इसको, यानी परमात्मा के स्वयं मुखारविंद से उच्चारित है। वो किसी की हेल्प नहीं लेता, जैसे ये काल लेता है श्री कृष्ण जी के शरीर की हेल्प लेकर इसने गीता का ज्ञान दिया, इसमें प्रवेश कर। अब श्रीमद् भगवत गीता भी ब्रह्मणे मुखे नहीं है, यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी नहीं है। परमात्मा सचिदानंद ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान को इस काल ने अपने पुत्र श्री कृष्ण जी में, यानी विष्णु जी में प्रवेश करके बोला, तो वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी नहीं है, उसके मुख से उत्तरित नहीं है, ज्ञान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ। तो यहां हमने ये समझना है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था, कहा था कि वेद मेरा भेद है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही जानकारी बताते हैं, मेरी ही लीला का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार का धार्मिक यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते ही हठ योग आदि करके जैसे दूसरे साधनाएं करते हैं, ऐसे नहीं, वो कर्म जान यानी कर्तव्य कर्म करते हुए उसकी साधना होती है, और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। यदि गीता ज्ञान दाता को उस वो ज्ञान होता तो 18 अध्याय जो उन्होंने बोले कहे श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो एक दो अध्याय और भी लिख देता, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 जिस तत् ब्रह्म की जानकारी दी है उसमें क्या कहा है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, अर्थात मैं जो मार्ग दर्शन कर रहा हूं, जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं, इसको आधार मानकर जिन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, और जो तत्ब्रह्म को जानते हैं और पूरे आध्यात्मिक इस ज्ञान से परिचित हैं,
और सभी कर्मों को जो जानते हैं वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, मम आश्रित यतन्ति ये, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म और अखिल कर्म, यानी वो अखिल अध्यात्म कृष्णम कर्मम, यानी सब कर्मों से, अखिल माने पूर्ण सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं वो। इसका सीधा सा अर्थ है सातवें अध्याय 29वें श्लोक का कि जो साधक केवल बुढ़ापा और मृत्यु, जरामीन वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, इन दोनों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं और जो ऐसा करते हैं, उन्होंने मेरा इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है और उनको फिर तत्ब्रह्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा परमक्षर ब्रह्म से, और वही उसी की साधना से जरा और मरण से छूट सकता है, और वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से, कर्म से, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति जो केवल जरा और मन से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, साधना कर रहा है। अब गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी हमारा जन्म रहेगा, ये ना सोच के हम केवल वर्तमान में ही हैं। फिर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गीता जी ने, गीता ज्ञानदाता ने, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता ऋषि और सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये सब, इनका उत्पत्ति कारण मैं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब काल के द्वारा ही इनका जन्म है, ये इसके पुत्र हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने, अब तत्ब्रह्म के बारे में अब 8वें अध्याय में पता चलेगा कौन है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर कौन है वो भगवान जिसको जानने के बाद फिर केवल जरा और मरण छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब यहां जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहन सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंश में मैं मेरा ही सिमरण करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की उपासना, ओम की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब ब्रह्मलोक पर्यंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जरा और मरण से छुटकारा नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म
जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ब्रह्म की साधना से भी जरा और मरण मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। अब गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के पांच और सात श्लोक में कहता है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा। फिर आठवें अध्याय के छठे श्लोक में कहा कि ये एक नियम है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत में जिस भी इष्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक आठ नौ और दस में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, जिसके विषय में सत्रहवें अध्याय के गीता जी में और तेईसवें श्लोक में कहा है, उसकी साधना कैसे होती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म। उस सचिदानंद घन ब्रह्म का तीन प्रकार के मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल ऑर्डर, ये परमात्मा का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त कोड वर्ड है, गुप्त मंत्र है, ये दास बता सकता है इस विश्व में। और इस दास से प्राप्त करके कोई वैसे बताता है तो वो अनधिकारी है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसका भी भक्ति खंड हो जाता है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे का बाप पे बनाने लग जाओ वैसे ही प्रिंट करा के, तो दोनों दोषी हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत् सत ये तीन मंत्र है, तीन में प्रभु है ये। ओम तो ब्रह्म का, और जिसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, इसको ब्रह्म को सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन भगवान है। सर्वब्रह्म तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो असंख ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को संसार रूपी वृक्ष है, ये ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1-4 का आपको सारांश बताता है ये दास। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसको ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और जमीन से बाहर जो जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भी उसका पार्ट दिखाई देते हैं वृक्ष के, वो पेड़ कहलाता है, वो तना है। सबसे पहले जमीन से बाहर निकलते ही मोटा जो है वो तना, वो अक्षर पुरुष समझो, अक्षर ब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष मानो। और उसके बाद एक मोटी डार निकलती है, उसको सर्वब्रह्म कहो, सर्वब्रह्म या सर्वपुरुष कहो, ऐसा जानो। और उस डार के फिर तीन शाखा हो, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और पात रूप संसार। हम आगे फिर पात रूप में, हम संसार रूप में है। अब उस वृक्ष को आहार कहां से होता है, कहां से प्राप्त होता है, जड़ से। तो वही जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही इन पूरे संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण करता है। अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे भगवान कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, सर और अक्षर ये दो प्रभु हैं, दो स्वामी हैं।
और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी का सथूर शरीर नाशवान है। ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा तो सबकी ही अमर है, कुत्ते की गधे की सबकी अमर है, वो तो आगे जन्म लेती रहती है। अब इन दो प्रभुओं का, दो भगवानों का, दो ब्रह्मों का, दो पुरुषों का 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इनका विवरण समाप्त हो गया। अब 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 अब श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओह, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु ब्रह्म जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में वर्णित है 15वें अध्याय की गीता जी, उनसे कोई अन्य है। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो परमात्मा कहो, उत्तम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, अन्य है। और परमात्मा इति उदारते जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख नहीं देता, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं देता केवल सुख सुख देता है। और फिर कहा है निचली पंक्ति में कि यह लोकतर आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है अविनाशी परमात्मा, वह अविनाशी परमेश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी, वो है सचिदानंद घन ब्रह्म, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठकों को कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो पुरुषोत्तम, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा, किसी कहा सुना ज्ञान जो वेद प्रमाणित, जो सदग्रंथ प्रमाणित ना हो, लोक वेद कथा दंत कथा सिद्धासारथ समझो, जो सुना सुनाया ज्ञान, आम व्यक्ति के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान, अपने आप को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होने का कारण भी बता रहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में मेरे अधीन जितने प्राणी हैं, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे रंक हैं, चाहे राजा है, चाहे अन्य चींटी से लेकर हाथी तक है, ये सभी इस ब्रह्म के कंट्रोल में है, ये इनसे ताकतवर है। जैसे श्री विष्णु जी 16 कला के प्रभु हैं, इसमें 16 प्रकार की शक्तियां हैं और ये 1000 प्रकार की कला वाला है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी 4 भुजा के हैं तो ये काल 1000 भुजा का ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हो रहा हूं क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं मैं उनसे उत्श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोके वेदे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। स्पष्ट कर दिया कि आई एम नॉट पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि यह उत्तम पुरुष को चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो है अविनाशी भगवान। श्रीमद् भगवद गीता जी
अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 और 16 और 17 में ये तीन प्रभु स्पष्ट हो गए। अब लोक वेद किसे कहते हैं? सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चाई से दूर हो। जैसे आज तक हम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को अजरो अमर कहा करते थे, सुना करते थे, ये लोक वेद सुना करते थे, अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर, ये गुरु। लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं थे। इनकी जीवनी में लिखा है श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में, शक्ति पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी, सचित्र मोटा टाइप, इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे उद्भासित हो रहा है और मैं ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी करें, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि माता, जब आपसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, आपसे विष्णु जी का जन्म हुआ, तो फिर क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और हम आप ही से उत्पन्न हैं, हम तीनों गुणों युक्त हैं और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसका जैसा वर्क डन ही दे सकते हैं। किसी की किस्मत में, किसी के प्रारब्ध में कोई दुख है, उसको निवारण नहीं कर सकते, कम और अधिक नहीं कर सकते। तो ये लोक वेद था जो हमें सुनाया जाता था कि अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है, इसको लोक वेद कहते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। कारण बताता है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं तगड़ा हूं, उत्तम हूं। यहां तगड़ा किसने माना है? जैसे ऋषि हुआ करते, एक ऋषि ने, एक सिद्ध ने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली और दूसरे के पास दो होगी तो दो वाला उससे उत्तम माना जाता है, बाकी दोनों चौड़ चपट। तो ऐसे ये 1000 भुजा का मालिक है, 1000 कला है इसके पास और अन्य इसके अंतर्गत जो प्रभु हैं, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री रजगुण ब्रह्मा जी और श्री शिव जी तमगुण, ये 16 कला के प्रभु हैं। ये वैसे तीनों ही 16-16 कला के प्रभु हैं, एक जैसी पावर है इनकी। बाकी श्री विष्णु जी ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा मानते रहे, अब लोक वेद के आधार से मैं तो देते रहे, इस शंकर भगवान जी को भी पैरेलल देते रहे, जबकि ये तीनों के तीनों चार भुजा युक्त हैं, एक जैसी पावर है, एक जैसे ही विभाग हैं इनके। जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं तो ये एक ब्रह्मांड रूपी प्रांत में ये एक एक विभागीय मंत्री है, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेश्वर कहते थे, सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी श्री कृष्ण जी को कहते हैं, नहीं, ये लोक वेद है, दंत कथा है, सच्चाई से बहुत परे है। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में स्पष्ट कर दिया। अब ये परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको सचिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, उस उत्तम पुरुष जो अन्य है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने का केवल ओम तत् सत ये तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बस डायरेक्शन है या और कुछ नहीं।
अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्वर्म की जानकारी दी है, उसके जानने के उपरांत और सारे धातुओं से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाहकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्वर्म, जिसको जानने के उपरांत फिर यहाँ की वस्तु की डिमांड आत्मा नहीं करता। तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में जानकारी है। अब फिर हम 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर और मेरे में भाव वाला बन, मुझ में भावित रहे। अब हम जिस पर आसक्त रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी, और फिर अंत समय में जहां आशा तां वासा होई, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जहां आशा तां वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हो उसको मन कर्म वचन से जाप करना, तब जहां आशा रहेगी, जिसमें भावित रहोगे अंत समय तक, जिस पर आसक्त रहोगे उसी को प्राप्त होगे, जहां आशा तां वासा हुई। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 का निष्कर्ष है, जो अभी आपको बताया कि जहां आशा तां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता, तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरन कर, मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल अपने सिमरन के बारे में इसने बता दिया, मेरा तो ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, नथिंग एल्स। और मेरे ओम नाम का जाप करके कहां जाएगा, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा, इसकी परम गति यही है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका जरा और मरण नहीं खत्म होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी गति भी अनुतमाम, अनुतमाम माने गति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अनुतमाम। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि लोक वेद के आधार से कहते हैं, अनुत्तम का अर्थ भी बदल दिया इन्हें, इन्होंने तो अनुत्तम का अर्थ भी अनर्थ कर डाला कि जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब, अनुत्तम का अर्थ ये हो ही नहीं सकता, फिर भी इनके लोक वेद से हम माने कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं, अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं कि जहां जाने के बाद फिर परम शांति होती है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा कर कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, गति घटिया, क्योंकि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यह परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा, और
इसलिए उसने कहा है उस पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषत्व अन्य उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में अनुतमाम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में जो उत्तम पुरुषत्व अन्य और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी की जानकारी दी है वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, समझो, वो बताएंगे। उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे तुझे, तो वो परमात्म तत्व परम अक्षर ब्रह्म है और उसके पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का सर्वपुरुष का जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष, पुरुष कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, ब्रह्म कहो, ये तीन तीन ब्रह्म है, तीन पुरुष है। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, सर्वब्रह्म भी कहते हैं इसको, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी, और अक्षर पुरुष ये सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी। ये अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते है, वो है परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो है वास्तव अविनाशी परमात्मा। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणि का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उस सचिदानंद घन ब्रह्म की यानी उस देव परम पुरुष की, उस पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की, जो उत्तम पुरुष अन्य है परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो ये सर्वब्रह्म का, सर्वपुरुष का समझो, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और अक्षर पुरुष का ये तत्व, ये सांकेतिक है। ये ओम और तत् मिलकर ये दो अक्षर का एक सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, ये गुप्त है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है, ये दास बताता है, और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त है उनको ये ज्ञान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा सचिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में सचिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं, जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते गियर चल लेंगे, ब्रेक सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं।